हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर कई तरह की भाषाएं व्यक्त कर सकता है, पर वो कई तरह की भाषाएं वो समझ नहीं सकता है। मतलब वो कई तरह की भाषाओं में हमें रिजल्ट तो दे सकता है, पर वो हमारे द्वारा बोली गई भाषा को नहीं समझ सकता है। तो जो हम कंप्यूटर से काम करवाना चाहते हैं वो हम एज अ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं, और उनको कन्वर्ट करने के लिए हमें किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है, और वो माध्यम है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो आज हम समझेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और ये किस तरह से वर्क करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा माध्यम है जो हमारे द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर तक पहुंचाता है, और कंप्यूटर से हमें उसका रिजल्ट हमारी भाषा में दिलवाता है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कंप्यूटर जो है ओनली मशीन लैंग्वेज समझता है, और मशीन लैंग्वेज जो है हमारी 0 और 1 पर आधारित होती है। तो हमारी मशीन लैंग्वेज जो है वो है 0 और 1 पर आधारित, और कंप्यूटर केवल इसी लैंग्वेज को समझता है। मशीन लैंग्वेज जो है 0 और 1 पर आधारित होती है। मतलब अगर हम कंप्यूटर को नमस्ते बोलते हैं तो वो कंप्यूटर इस भाषा को नहीं समझ पाएगा, और कंप्यूटर अगर बाय चांस हमें बोलता है कि 10101 तो हम उसकी भाषा को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज हमें समझ नहीं आएगी और हमारी लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर को समझ नहीं आएगी। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम की हमें जरूरत पड़ती है हमारी लैंग्वेज को, हमारी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में बदलने के लिए, और कंप्यूटर की भाषा को हमारी भाषा में बदलने के लिए। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे और कंप्यूटर के बीच में एक माध्यम, बातचीत का माध्यम पैदा करता है। तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, विंडो एक्सपी, विंडो 2000, विंडो 98, विंडो एमएस डॉस एंड विंडो 10। ये जो विंडो 10 है ये हमारा विंडो का लेटेस्ट वर्जन है, और ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।